राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए, आज मंगलवार का दिन है, आज के लॉर्ड है हनुमान जी। आज मैं आपके लिए एक हनुमान की राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मंगलवार का दिन है, मंगलवार के लॉर्ड है मार्स, मार्स के लॉर्ड है हनुमान जी। हनुमान जी को खुश करने के लिए मैं आज आपके लिए बहुत अच्छा उपाय लेके आई हूँ। ये उपाय मंगलवार या शनिवार को करने से आपका कोई भी काम रुक रहा है, आपको फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ रही है, आप फाइनेंशियल से जूझ रहे हैं, आप पर बहुत सारे कर्जे हैं, आपकी बुद्धि रुक गई है, आपको समझ नहीं आ रहा कि आप फाइनेंशियली कहाँ से गेन करें, कहाँ आपको ये उपाय करने से आपको नए नए तरीके आएंगे, नई नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिससे आप पैसा कमा सकते हैं, ग्रैब कर सकते हैं, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हो सकती है। आपको करना क्या है, आपको मंगलवार को या शनिवार को शाम को आपको गुड़ के चावल बनाने हैं। गुड़ के मीठे चावल बनाकर आपको हनुमान मंदिर लेके जाना है। हनुमान मंदिर ले जाकर उसे या हनुमान जी के आगे भोग लगाकर उस ज़्यादा चावल होंगे जो, उसको या तो मंदिर में आप अपने आप दान करें, लोगों में बांटें। नहीं बांट सकते तो पंडित जी को दे दें, पंडित जी को एज अ भोग दे दें, पंडित जी उसमें से निकालकर सबको भोग उसमें से दें। ऐसे आपको वो मीठे चावल की भोग लगाना है और लोगों में बांटना है, लोगों के मुंह में जाए अन्न। अगर लोगों के अन्न मुंह में जाएगा तो आपके तीन ग्रह ठीक होते हैं, सूर्य चंद्र मंगल। इन दोनों की, इन तीनों की जब दुति बनती है तो आप मंगल, मंगल आपको देगा क्षमता, देगा न्यू आइडियाज़ की, आपको विल पावर देगा, आपको एनर्जी देगा कि आप वो काम कर सको, आपको विल पावर देगा। और जो सूर्य है, सूर्य आपको उसका काम को करने की क्षमता देगा, ऊर्जा देगा, आपको आपके दिमाग में आइडियाज नए नए लेके आएगा। और जो चंद्रमा है, चंद्रमा आपके पैसे के कारक होते हैं, मानसिकता के कारक होते हैं, पैसा देंगे, सेविंग्स देंगे। ये उपाय आप जरूर मंगलवार को करके देखें। और दूसरा मंगलवार का उपाय जो शाम को आपको, मंगलवार के उपाय ऑलवेज शाम को किए जाते हैं सूर्य अस्त के बाद, या सूर्य उदय से पहले किए जाते हैं या सूर्य अस्त के बाद। आपको करना क्या है, अगर आपको किसी भी काम में सफलता नहीं मिल रही है, आप बहुत निराश हो चुके हैं, आपका काम बनते बनते, आप कहीं भी काम के लिए जाते हैं या किसी काम में जाते हैं तो आपके उसमें अड़चन आती है, सफलता नहीं मिलती है, तो आपको क्या करना है, ये बहुत विशेष उपाय है, आपको एक नींबू लेना है, चार लौंग लेने हैं, एक नींबू चार लौंग। ये मंगलवार के दिन ही ये उपाय किया जा सकता है, शनिवार या मंगल, ये सिर्फ मंगलवार के दिन ही उपाय किया जा सकता है। वो नींबू और लौंग लेकर आपको हनुमान मंदिर जाना है। हनुमान मंदिर जाकर वहाँ हनुमान जी के आगे आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है और वो लौंग नींबू के बीच में रखने हैं, डालने हैं, ऐसे ऐसे डालने उस नींबू को, जो आपने वो बना लिया, आपने हनुमान चालीसा सारा पढ़ लिया, तो वो नींबू वापस ले आए अपने घर, नींबू रखें आपके पूजा स्थल में रख लें। जब भी आप किसी कार्य के लिए जाएं, जब भी आप किसी इम्पोर्टेंट वर्क के लिए जाएं, तो आप वो नींबू साथ में लेके जाएं। इससे आपको सफलता मिलेगी और कोई भी रास्ते में रुकावट आ रही है, आपको नज़र दोष है, वो आपका समाप्त होगा, आपके काम ज़रूर बनेंगे, आपको अपने कार्य में सफलता ज़रूर मिलेगी। अब मैं आपको कुछ टिप्स दूंगी सावन के रिलेटेड। जो भी इंसान बहुत प्रॉब्लम से जूझ रहा है, जिस भी इंसान के सारे ग्रह ही खराब हैं, वो अपने नव ग्रह एक साथ ठीक करना चाहता है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग के पास जो शिव जी का ऊपर जल चढ़ रहा है, शिव जी का जो जल होता है उसके नीचे हाथ कर ले, वो जल लें, वो जल लेकर आप अपने नैनों पर, नैनों पर, कंठ पर और मस्तक पर, नैनों पर, कंठ पर और मस्तक पर लगाएं वो जल। इससे आपका जो भी कष्ट है, आपके जो भी नवग्रह आपके शांत नहीं हो रहे हैं, आपके नवग्रह
डिस्टर्ब्ड हैं तो ये उपाय करें। बहुत छोटा और इजी उपाय है, आपको कोई मंत्र नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वो शिवजी का जल लाकर अपने नैनों पर, कंठ पर और मस्तक पर लगाना है। इससे ही आपके सारे ग्रह ठीक हो जाएंगे। अगर आपको नहीं पता आपके कौन से ग्रह खराब है, ये करने से आपके फिर भी ग्रह ठीक हो जाएंगे। अब मैं आपको बताऊंगी हमें शिवजी जी की पूजा करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, सो देट अगर हम वो बातें करते हैं तो हमें प्रॉब्लम आ सकती है, हमें उस पूजा का पूरा फल नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? हम लोग कहते हैं कि यार मैंने तो शिव जी की बहुत दिल से पूजा की है लेकिन मुझे वो फल नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? मैं आपको आज वो बताऊंगी। हमें कभी भी सोमवार को जब भी हम पूजा करें ब्लैक कपड़े नहीं पहनने चाहिए। जब भी हम ब्लैक कपड़े पहनकर शिव जी की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हमारे पूजा नहीं लगती, क्योंकि जो ब्लैक है वो नेगेटिव है कलर। सो कभी भी किसी भी, मैं अकेली सोमवार की पूजा में नहीं कह रही, किसी भी पूजा में किसी भी धर्म स्थान पर आप जा रहे हैं तो आपको ब्लैक कपड़े नहीं पहनने हैं, क्योंकि वो पहनने से हमारी पूजा आराधना नहीं पूरी होती। हमें कभी भी अनैतिक और गलत काम नहीं करने चाहिए, किसी से फ्रॉड नहीं करना चाहिए, किसी का पैसा नहीं मारना चाहिए, किसी को टाइम दिया है उसको हमें छल नहीं करना चाहिए। अगर हम व्रत करते हैं तो हमें बहुत सच्चे सुच्चे मन से व्रत करना चाहिए। तीसरी बात, जब भी हम सोमवार के व्रत करते हैं या पूजा करते हैं, हमें इन दिनों कभी भी जुआ, चोरी और कोई भी जो गलत काम है, जुआ खेलते हैं, हम चोरी करते हैं, हम किसी से फ्रॉड करते हैं, हम किसी को धोखा देते हैं, झूठ बोलते हैं, ये काम नहीं करने चाहिए। इससे भी आपकी पूजा कभी भी भगवान स्वीकार नहीं करेंगे और आपकी पूजा कभी भी नहीं लगेगी। चौथी चीज़, हमें इन दिनों शिवजी के इन सावन के दिनों में, अकेला सावन नहीं, अगर आप सोमवार के व्रत करते हैं, सोमवार की पूजा करते हैं, तो कभी भी आपको मांस मच्छी शराब ये अनैतिक चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे भी भगवान रुष्ट होते हैं और आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होती है और आपकी पूजा भगवान। पांचवी चीज़ ये है कि जब भी हम शिवजी जी की आराधना करते हैं या शिवजी जी को भोग लगाते हैं, उसमें कभी भी तुलसी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तुलसी का प्रयोग केवल, मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, केवल विष्णु भगवान या उनके जो अवतार हैं कृष्ण जी और राम जी, उनके आगे ही भोग तुलसी जी का लगता है। शिव जी या शिवलिंग पर कभी भी तुलसी का पत्ता भोग में नहीं अर्पित करना चाहिए। छठी चीज़ ये है कि हम नारियल तो शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं, हम नारियल शिवलिंग को भोग लगा सकते हैं, हम नारियल शिवलिंग के आगे रख सकते हैं या शिव जी के आगे रख सकते हैं, लेकिन कभी भी जो नारियल का पानी होता है वो शिवलिंग पर अर्पित नहीं किया जाता। इससे भी दोष लगता है, इससे भी हमारे जो ग्रह हैं वो खराब होते हैं, हमें दोष लगता है। प्लीज़ आप मेरी ये जानकारियाँ एक्सेप्ट करें, आप ये छोटे छोटे जो टिप्स मैं देती हूँ ये एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी ज़िंदगी सफल बनेगी। ये छोटे छोटे उपाय आप करके देखें, आपके लिए बहुत लाभदायक रहेंगे। राधे राधे फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, ऐसे ही मेरे वीडियोज़ को सपोर्ट करते रहें सो दैट मैं आपके लिए और नए उपाय, नए टिप्स लेके आ सकूं। जो गलतियां आप कर रहे हैं आपको उनकी जानकारी मिले और घर बैठे ही आप उस गलतियों को सुधार सकें। राधे राधे फ्रेंड्स।